चलो चले एक बार फिर एक नई दिशा की ओर, वापस हम आएंगे अब तो फिर से लगा के जोर। हर चेहरे पे अब तो खुशियां झलकेंगी, आजादी से घर से जब राहें निकलेंगी। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया वेस्टीज के साथ। चलेगा इंडिया वेस्टीज के साथ, बढ़ेगा इंडिया। बड़ी तादाद में फिर से हम सारे मिलेंगे, हाथ थाम के एक दूजे का आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग की ताकत से सपने पूरे करेंगे, हम सारे जब साथ हो फिर ये दुनिया भी बदलेंगे। हाँ सुनहरा कल हम फिर से लाएंगे, आगे बस आगे बढ़ते चलेंगे। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया वेस्टीज के साथ। चलेगा इंडिया वेस्टीज के साथ, बढ़ेगा इंडिया। हाथ बंद चुके थे अपने, अब तो खुल जाएंगे। मिल जाएगा जिंदगी में जो भी हम चाहेंगे। मेहनत ही राज है, बात हम में खास है। दुनिया के आगे फिर से जाएंगे, आसमां को छूकर फिर से आएंगे। चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ। चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ, बढ़ेगा इंडिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शार्दुला आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव सेशन आज का हमारा होने वाला है, विथ इंटरेक्शन सेशन हमारा ये रहेगा कि जिसमें आप सबको पता चलेगा कि किस तरीके से ऑनलाइन में आप अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। उसी के साथ साथ रिजल्ट्स भी पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ काम करते रहेंगे और रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हमें इनकम भी नहीं आने वाली है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो बट ऑनलाइन में ही, बट अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आपके काम करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज हमें मालूम पड़ने वाला है कि किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट, कम से कम इनपुट्स को डाल के हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को ले सकते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो आज के ट्रेनर है रसिका मैम, जो पुणे से बिलोंग करते हैं, एमबीए बैकग्राउंड है उनका और बहुत ही अच्छा एजुकेशन होने के बावजूद आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री आज क्रिएट की है। एज अ डॉटर एंड मदर पर बहुत बड़े लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इनकम अपॉर्चुनिटी हमारे थ्रू पहुंचे। तो आप सभी लोग एक डिवाइन प्लानर हो, एक डिवाइन माध्यम हो कि जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच के उनका ड्रीम इनकम, जो 1 लाख मिनिमम ड्रीम इनकम उनको अचीव करवाने के लिए हम सभी लोग टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए फोकस के साथ आज के ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाइए विद डायरी पेन, ताकि आप जो आपको अच्छे लगने वाले जितने भी नोट्स हैं आप अपने ले सको। तो लेट्स इनवाइट विद योर बिग राउंड ऑफ क्लॉज इन चैट बॉक्स। क्लैप्स आप सभी लोग चैट बॉक्स में क्लैप्स डाल सकते हो जोरदार तालियों के साथ। रसिका मैम को यहाँ पे हम वेबिनार में आज इनवाइट करते हैं, जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग लीडरशिप, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है?
अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा सेशन है, मंथ की स्टार्ट हो चुकी है, एंड जो आज मंथ नया मंथ शुरू हुआ है उसमें हम एक बड़ा वर्किंग प्लानिंग करने वाले हैं। एंड इस वर्किंग प्लानिंग के लिए आप सारे रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जो स्टार्टअप है, डेली हम 9 बजे की जो मीटिंग करते हैं उसमें रेगुलर हम एक्टिव रहते हैं, बट उसमें रिजल्ट क्यों नहीं आते, या कुछ लोगों को रिजल्ट आ रहे कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? इस महीने की स्टार्ट करते वक्त पहले आपको ये सारी चीजें समझना जरूरी है। इसलिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन हमने प्लान किया है वो है आपका ऑनलाइन इफेक्टिव वर्क आप कैसे करें, राइट? तो इसके लिए मैं आपको आज डिटेल कुछ ट्रेनिंग बताना चाहूंगी। और आज का जो डिटेल ट्रेनिंग है, आप डायरी पेन लेके बैठिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट मिस करेंगे तो ऑनलाइन वर्क तो करेंगे आप, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, राइट? तो क्या है ये पॉइंट समझने के लिए शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग की। जैसे आज नए कुछ फेसेस मैं देख रही हूँ, तो उनके लिए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रसिका कुलकर्णी है, मैंने MBA किया है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन है, एंड वेस्टीज के साथ 4 से 4.5 साल से मैं वर्किंग कर रही हूँ। वेस्टीज में मैंने 3 कार्य अचीव किए हैं। मैं और शार्दुला मैम मदर एंड डॉटर की एक पैर है, और ये जो पैर है वो बहुत ही बढ़िया शानदार पैर ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने डंका बजा के रखा है कि मदर एंड डॉटर की पैर हमें लोगों ने डुप्लीकेट करना ऑलरेडी शुरू किया है, राइट? तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है स्पेशली हमने आपके लिए डिजाइन किया है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम ऑनलाइन वर्क तो कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, या हम इफेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं बट उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां चीजें कुछ चेंज करनी जरूरी है, ऐसा हमें लग रहा था, और वो चीजें हमने इसमें एड ऑन की है। तो आज की ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं, और आज का जो PPT हमने आपके लिए बनाया है वो PPT हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन मीटिंग से रिजल्ट कैसे बढ़ाए जाए, राइट? आज आप इफेक्टिव मतलब वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आज का वर्क जो हो रहा है, आपको जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें क्या है? आपको अगर दिक्कतें आ रही है तो बहुत सारी चीजें है कि उससे आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन इसका PV नहीं निकल रहा है, राइट? इसमें बिजनेस तो कर रहे हो आप लेकिन इसमें इफेक्टिव इनपुट्स और इफेक्टिव आउटपुट जो चाहिए वो नहीं आ रहे, राइट? बहुत सारे लीडर्स से मैंने बात किया आज दिन में, आज और कल दिन भर पूरा मैं बात कर रही थी हर एक से, और जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, हमको आदत हो चुकी है कि हम किसी से जाके मिले और मीटिंग करें, प्लान दिखाए, प्रोडक्ट दिखाए, बिजनेस दिखाए, कुछ डेमो दिखाए और फिर उससे बिजनेस निकाले, लेकिन ऑनलाइन वर्क अभी की जरूरत है दोस्तों। और ये जो आज का सेशन है ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर रहेगा, राइट? आगे की स्लाइड पे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे ये प्लानिंग सारे हम कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमें इफेक्ट क्रिएट करना है अपने बिजनेस में तो हमारे रिजल्ट पे हमारा फोकस होना जरूरी है, राइट? जैसे अभी पहले के जमाने में बच्चे भी स्कूल में किताबें लेके जाते थे, राइट? स्कूल बैग लेके जाते थे, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, जो हम बोलते थे कि 21st century में ऐसा हो जाएगा कि 21st century सारी बच्चे भी ऑनलाइन मोबाइल लैपटॉप लेके ही घूमेंगे और उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ऑनलाइन आ जाएगा। और दोस्तों वही सिचुएशन हम सारे अभी ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, राइट? आप देखिए घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो आपको मोबाइल की भी दिक्कतें हो रही है, मोबाइल अवेलेबिलिटी की भी दिक्कतें हो रही है, राइट? अगर एक मोबाइल बंद पड़ जाए तो तुरंत दूसरा मोबाइल शुरू करना पड़ रहा है। मैं अभी एक लीडर से बात कर रही थी, उनके पड़ोसी जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उनका मोबाइल लेके काम कर रहे हैं, राइट? मतलब आज की जो जरूरत है वर्क ऑनलाइन, राइट? हमारा जो बिजनेस है वो भी ऑनलाइन है, आज देखिए स्कूल भी ऑनलाइन हो गए हैं। और आज आपको ऐसा लगता होगा कि आज ये सिचुएशन आज के लिए है, दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, ये सिचुएशन पूरे साल भर अब चलता रहेगा, क्योंकि आप भी देख रहे हो कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हर एरिया में कोविड के केसेस है, हर एरिया सील किया जा रहा है। तो हमें ऑनलाइन वर्क करना होगा, और अगर पैसे कमाने हैं हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें दिक्कतें नहीं आनी है, हमारे लाइफ में अगर हमें रिजल्ट बेस्ड वर्क करना है तो मेरा ऐसा मानना है आप जो वेस्टीज का वर्क कर रहे हो आप 2 ही घंटे करो, 4 ही घंटे करो, बट इफेक्टिव वर्क करो। सुबह से शाम तक हम लग जाते हैं मीटिंग 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 में रहते हैं,
अलग अलग मीटिंग्स में एंटर करते हैं लेकिन हर जगह हमारा ध्यान नहीं रहता और हम एक भी मीटिंग फोकस नहीं कर पाते तो इससे रिजल्ट भी नहीं ले पाते, राइट? तो आज की जो सिचुएशन है, हमने फोकस करना है अपने रिजल्ट पे। मतलब अगर डेली हमारा मीटिंग हो रहा है तो डेली आपके कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हो तो आप ये बात नोट कर लो कि आपने चेक करना है कि आपके कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, आपने आज दिन में कितने इन्विटेशन किए हैं, उसके साथ साथ आज आपने जितने इन्विटेशन किए उतना क्या आपको रिजल्ट मिला है, कितने लोग आपके आज मीटिंग में आए हैं, ये भी आपने देखना है एंड रिजल्ट पे फोकस रहना है। और जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है आपने उनको एक मैसेज भेजना है कि आपको मैंने मीटिंग में देखा बहुत बढ़िया लगा एंड आप इसके डिटेल हम जो डिस्कस करेंगे कल मॉर्निंग में आपको कॉल करता हूँ। क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा गैप दे देंगे तो वो सोचेंगे, आप 10 बजे हमारा मीटिंग क्लोज हो जाता है 10 बजे के बाद बात करना शुरू करोगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डेढ़ डेढ़ दो दो बज जाते हैं मीटिंग डिस्कशन में, राइट? क्योंकि कोई ना कोई मीटिंग बढ़ सकता है आपका। तो इसके हिसाब से अगर आप प्लान करोगे तो आपका जो कोई भी है, मतलब आपने तुरंत एक मैसेज डालना है ग्रुप पे, मतलब सॉरी पर्सनल, जो पर्सन आपका अटेंड कर रहा है आप देख रहे हो उसको, तो उनको एक तुरंत मैसेज डालना है फॉर इफेक्टिव क्लोजिंग। आपने एक अच्छा सा मैसेज बना के डालना है कि समझिए निखिल नाम है पर्सन का, तो गुड मॉर्निंग निखिल सर, मैंने आज आपको 9 बजे की हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है मीटिंग जो है उसमें देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड आपके 1 लाख पर मंथ के लिए हम कल से काम शुरू कर रहे हैं तो कल मॉर्निंग में आपको कॉल करूंगा, राइट? तो ये इतना भी मैसेज आपका एक इफेक्ट क्रिएट करता है ये सारी चीजों के लिए। बिकॉज हम मीटिंग्स तो कर रहे हैं आपके, आप देखोगे तो 9 बजे के सारे मीटिंग फुल हो रहे हैं, बट सारे मीटिंग से आपको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट? मुझे तो रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट योर ग्रोथ, वॉट अबाउट योर पीवी? अगर आप आपके पीवी के बारे में देखोगे तो आपका वो ग्रोथ जो है वो आपका होना जरूरी है, इसलिए आपने ये मैसेज करना है। आगे की स्लाइड पे चलते हुए आपको कुछ और डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें अगर आप मीटिंग में होते हो तो बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो रही है, मिस हो जाती है। सो मेनी पीपल्स आर नॉट गेटिंग रिजल्ट थ्रू ऑनलाइन मीटिंग बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो हमने और मैंने और शर्दुला मैम ने ऑब्जर्व किया है, और इसीलिए आपके ग्रोथ के लिए ये ट्रेनिंग सेशन आज हमने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे आप देखो कि क्या हो रहा है, लो कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस हमारा लो है तो हम कॉलिंग नहीं कर रहे, और कॉलिंग नहीं कर रहे तो इन्विटेशंस नहीं हो रहे, इन्विटेशंस नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्राउड मीटिंग में कम आ रहा है और आप उनसे कॉन्फिडेंटली वापस बात नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो पहला रीजन है हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम ऑनलाइन मीटिंग में रिजल्ट नहीं ले पाते। दूसरा है लो एनर्जी। क्यों होती है ये लो एनर्जी? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इसके पीछे, जैसे बहुत सारे लोगों, मतलब मैं 2 दिन से जैसे लीडर से बात कर रही हूँ, बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि कोविड का न्यूज लगाया जा रहा है कंटिन्यूस, जितने भी न्यूज एंड चैनल्स एंड सारी चीजें देख रहे हैं और इससे सारी एनर्जी निकल रही है, इससे सारी एनर्जी लो हो रही है। जो एनर्जी आप भर रहे हो, मतलब जो 9 बजे की मीटिंग में एनर्जी भरी जाती है, पूरे दिन में आप न्यूज देख के, न्यूज पेपर पढ़ के, कोविड के सिचुएशन, कितने केसेस बढ़े हैं, क्या हुआ है लॉकडाउन में, क्या हुआ, कहाँ किसकी डेथ हुई, कहाँ किसका क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें हमारी सारी एनर्जी हम डाउन कर रहे हैं। तो आप आज से ही फाइंड, मतलब डिसाइड कीजिए कि मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं टीवी मतलब न्यूज देखूंगा, लेकिन 8 दिन में एक बार, क्योंकि अगर वो जरूरत है, मतलब आसपास के एरिया में क्या चल रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये देखने के लिए, हाँ मैं भी जानती हूँ कि जरूरत है अभी देखने की, लेकिन आप दिन में 5 मिनट भी देखोगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है। अगर 1 आध घंटे का न्यूज देखना है तो आप 1 हफ्ते में एक बार देख सकते हो, क्योंकि अगर आप ये एनर्जी लेते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसी पे काम करेगा और आपका फोकस आपके ग्रोथ पे और आपके बिजनेस पे नहीं होगा, राइट? आगे के पॉइंट पे चलते हुए, बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि ओनली अटेंडेंस। आप देखिए बहुत सारे लोग एंटर होते हैं, लीडर्स एंटर होते हैं, वीडियोज ऑन नहीं होते क्योंकि हम बिजनेस के लिए नहीं बैठे होते, साइड बाय साइड हमारा कुछ ना कुछ चलता है रहता है, कुछ लोग काम कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ दूसरा ही चलता रहता है और हमें लगता है कि हम मीटिंग में हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन आप अगर वीडियोस में जाके देखोगे ना तो बहुत सारी अलग अलग ही चीजें चलती रहती है, कोई सोया रहता है, कोई खाना खा रहा है, कोई बच्चे बच्चों से बात कर रहा है, कोई दूसरा है। परसों की मीटिंग में तो मैंने देखा कि
मतलब एक शेविंग की दुकान पे एक बंदा शेव कर रहा था, एक मतलब वो वहां पे था और ये मीटिंग सुन रहा था। मतलब आप अगर एक घंटे के लिए अगर फोकस नहीं हो सकते तो आप मीटिंग में एंटर ही मत करो, ये मेरा एकदम जेन्युइन रिक्वेस्ट है। बिकॉज अगर आपको आपका ग्रोथ चाहिए तो आपने मीटिंग में एंटर होना जरूरी है। और कल से सबसे जरूरी बात है कि आपके वीडियोज ऑन रहेंगे। आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे, आज हमारा मीटिंग का अटेंडेंस अभी मैं देख पा रही हूँ 66 है। रीजन ये है कि जितने भी लोग हैं 100 वेटिंग में अभी जो दिख रहे मुझे 30-35 लोग, वो सारे विदाउट नेम है। आप देखिए, मैंने आज जो मीटिंग में एंटर किया है ओप्पो A9 2020, आप आपका नाम तुरंत बदल दो, अदरवाइज मैं आपको भी वेटिंग रूम में पुट ऑन करूंगी। वीवो 1809 रीनेम का ऑप्शन मैंने ओपन रखा है। देखिए, अगर आप मीटिंग में एंटर हो रहे हो तो आपके नाम के साथ एंटर करो, क्योंकि ओप्पो A9 आपका नाम नहीं हो सकता, राइट? अगर आप दूसरी कोई चीज कर रहे हो तो आप मीटिंग मत करो, आप सीरियस होके बस मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि हमें पता चले कि आप कितने लोग सीरियस हो इसमें, राइट? बहुत सारे लीडर्स ऐसे है कि सोए रहते हैं। अगर कोई पर्सन आपको सारा इनपुट देने के लिए बैठा है एक जगह पे, अच्छे से वो देने की कोशिश कर रहा है, उसने कुछ मेहनत की उसके पीछे, क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख पर मंथ मिले और आपके वीडियोस भी ओपन रहते हैं और आप आराम से सोते रहते हो, तो कितना मतलब कैसा लगता है आप ही सोचो। और मैं तो हर एक का वीडियो स्क्रॉल करके देखती हूँ कि कौन आराम से बैठा है, कौन लेटा है, क्या चल रहा है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, अगर आपको 1 लाख पर मंथ कमाना है, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना होगा, राइट? ये जिनके भी, मतलब जैसे मैंने बोला कि आपके कल से ना, ये सबसे जरूरी बात है कि अगर आप मीटिंग में बैठे हो तो एक घंटे आप दूसरा कुछ कर रहे हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको हमें धीरे धीरे चेंज करना होगा। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इमरजेंसी चीजें भी आपके साइड में होती रहती है, तब आप डेफिनेटली वीडियो ऑफ करो तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, राइट? बट आपने एटलीस्ट जहाँ पे हो वहां पे अटेंड रहना जरूरी है। फोकस नहीं होता हमारा, नॉट फोकस्ड, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या फोकस नहीं होते? यही रीजन होता है हम वीडियो ऑन नहीं करते, राइट? क्योंकि हम फोकस नहीं होते, हम कहीं पे खाना बना रहे हैं और हम वीडियो ऑन कर रहे, ऑफ रख रहे, राइट? और फोकस हमारा कहाँ पे है? आधा खाना बनाने पे, आधा बच्चों को खाना देने पे, या दूसरी कोई चीज है जो चलती रहती है, राइट? सामने न्यूज लगे रहते हैं, एक साइड में मीटिंग चलता रहता है। तो अगर ऐसी चीजें हम करेंगे तो हम अपना 1 लाख पर मंथ, मतलब आप इसके बारे में सोचो भी नहीं, राइट? क्यों मत सोचो? क्योंकि फोकस, देखिए, 100% एक चीज पे होता है ना, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। अगर आपका फोकस 99% है तो भी आप वो सक्सेस नहीं पा पाओगे, बिकॉज वो फोकस आपका 1% भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको जो चाहिए कि यूसीडी विद 5 लाख पर मंथ आपको दिसंबर तक बनना है, या आपको क्राउन विद, जो कुछ भी आपको आपने जो टारगेट लिया है वो अगर आपको पूरा करना है। थैंक यू परवेज जी, आपने नाम बदला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, हम जो चीजें फॉलो करते हैं ना, बस मैं ये समझना चाहती हूँ कि कितने लीडर्स हैं जो खुद के 1 लाख के लिए ये सब फॉलो करना चाहते हैं, और हम उन्हीं के साथ अभी मेहनत करेंगे जो सीरियस है इस सिस्टम में, राइट? अगर हम 9 बजे रात को 10 बजे हम मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका 1 लाख पर मंथ बने, इसलिए हम कर रहे हैं, राइट? तो ये आपने, मतलब ये जो चीजें चल रही है ना, इसमें आपने 100% आपका पार्टिसिपेशन रखना है, तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। उसके बाद का पॉइंट है, आप देखिए, नॉट फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी। हमें कैसा है, हम बहुत सारी चीजें देखिए, ऑन एंड ऑफ का बटन हमें पता नहीं होता है, म्यूट कहाँ पे करना है, नहीं तो आपकी आवाजें आती रहती है, फिर आपको होस्ट बता बता के थक जाता है कि आप म्यूट यहाँ पे करो, राइट? आपको अपना, आपका नाम कहाँ चेंज करना है, आपको वीडियो कहाँ ऑफ करना है, वीडियो कहाँ ऑन करना है, ये सारी चीजें आपने सीखनी जरूरी है, राइट? ये जो अभी जो ऐप बने हैं, आप अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है तो ये सारी चीजें सीखनी भी जरूरी है और आपकी टीम में सिखानी भी जरूरी है, राइट? जैसे आप देखिए, वॉरियर ऐप अभी जो बना है, वॉरियर ऐप हम जो अभी देखेंगे, आप आज ही वॉरियर ऐप ने ऐप में डिक्लेयर कर दिया है गुरुचरण सर ने कि 30-60 डेज में आपका 1.5 लाख पर मंथ का चेक कैसे बनेगा, उसका डेली स्ट्रेटेजी शुरू होने जा रहा है। और अगर ये डेली स्ट्रेटेजी कल से शुरू हो जाएगी
तो आप सोच नहीं पाओगे कि आप 1.5 या 2 महीने में आपका पूरा सिनारियो बदल जाएगा। तो अगर आप वॉरियर ऐप की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप बड़े लॉस में जा रहे हो, राइट। आपने पैसे तो भरे हैं, ऐप का रजिस्ट्रेशन तो किया है, लेकिन आप वॉरियर ऐप में नहीं आ रहे हो, राइट। बहुत कम लोग है जो लकी है और इसमें एंटर हो पा रहे। हमने कुछ लीडरशिप ने इकट्ठा आके अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनको लेवल बढ़ाने के लिए, उनका चेक बढ़ाने के लिए ये सारा प्लान किया है। तो आप देखिए, आपको मतलब वो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मिल रही है। आपको जो वॉरियर ऐप का लिंक आया है उस पर क्लिक करके आप वॉरियर ऐप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप अगर वॉरियर ऐप में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम से कनेक्टेड है। आप देखिए, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि मैं ना मेरे 10 लोगों की टीम करूंगा फिर मैं वॉरियर ऐप में आऊंगा, या मैं 10 लोगों की टीम करूंगा फिर मैं ऑनलाइन पे लोगों को कनेक्ट करूंगा। तो दोस्तों, पर्सन की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है। आप अगर किसी को इनवाइट करते हो और अगर आप उनको 10 दिन का डिले कर रहे हो एंटर करने में सिस्टम में, तो वो बंदा निगेटिव होता जा रहा है। अगर आप डेली की रूटीन की आदत डालोगे उनको, तो डेली वो एंटर होते रहेंगे और डेली उनका प्रॉफिट होता रहेगा, डेली धीरे धीरे मोटिवेट होते रहेंगे और धीरे धीरे उनका भी चेक बढ़ता जाएगा। तो ये जो है वो माइंडसेट आपने बनाना होगा। इन्विटेशन आप कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग तो अच्छे मिल रहे, क्वालिटी ट्रेनिंग मिल रहे, राइट। बट आप इसमें इन्विटेशन जो कर रहे हो वो कितने कर रहे हो। आप देखिए, मैं जितने भी ग्रुप है, मैं जब मीटिंग शुरू होता है मैं मेरा वीडियो ऑफ रखती हूँ एंड मीटिंग स्टार्टेड का जो मैसेज है वो डाल देती हूँ कि मीटिंग स्टार्टेड, एंटर फास्ट, राइट। आपके ग्रुप में ये सब कर रहे हो क्या? ये बहुत जरूरी है। आप अगर अपने लीडर को फॉलो कर रहे हो और वो क्या कर रहे हो, वो अगर कर रहे हो तो आप जल्दी DUCD बन जाओगे, जल्दी 3 कार ले पाओगे। क्योंकि जो पर्सन जो करता है, आप जो वो कर रहा है वो फॉलो भी करोगे ना, तो भी आपका ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगा। तो ये एक माइंडसेट है, लीडरशिप एक माइंडसेट है। आप वीडियो ऑफ करो ना करो, वीडियो ऑन रखो ना रखो, आप सामने बैठो ना बैठो, लेकिन ये एक बात समझो कि ये माइंडसेट है, आपकी ग्रोथ ही आपका माइंडसेट है। अगर आप शांति से सुनोगे, समझोगे, माइंडसेट बनाओगे, तभी आप काम कर पाओगे और तभी आप आपकी ग्रोथ बना पाओगे, राइट। आप देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डेवलप कर पा रहे हो, अगर डेवलप करोगे तभी आपका ग्रोथ होगा। टीम से कनेक्टिविटी आपकी दिखेगी, क्योंकि अगर मुझे दिखेगा कि यहाँ पे 100 ऑटोमेटिकली फुल हो रहा है तो ही आपकी टीम की कनेक्टिविटी हो रही है, सारी टीम इसमें एंटर हो रही है, तभी आप इसमें ग्रोथ कर पाओगे। आप अगर हो तो अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, ये टीम का बिजनेस है। आपके साथ आपकी कितनी टीम डेली आती है, राइट, ये आपने समझना जरूरी है। आप कितने लोगों को नया ला पा रहे हो ये समझना जरूरी है। और आज तक आपने जो काम किया, इसमें 2 महीने हो चुके होंगे, 6 महीने आपको ज्वाइन करके 8 दिन हुए हैं, 2 साल हुए या 3 साल हुए, 4 साल हुए, जो कुछ भी हुआ है, आज से आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दो खुद में। डेली कॉलिंग करो, डेली परफॉर्मेंस दिखाओ, क्योंकि अगर आपको चेक लेना है तो परफॉर्म आप ही को करना पड़ेगा। आपका अपलाइन या आपका जो कुछ भी सपोर्टेड पर्सन है वो आपके लिए बोनस है। आपको एक्टिविटीज, बेसिक एक्टिविटीज आप ही को करनी पड़ेंगी, राइट। आप अगर सोचोगे कि ये सारा मेरा काम जो है मैं ऑटोमेटिकली करता रहूंगा, साइड बाय साइड होता रहेगा, मैं 2 कॉल करूंगा और मुझे 1 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो सिस्टम दिया जा रहा है वो फॉलो करोगे तभी ये काम होगा। अभी इसके साथ साथ जो चीजें हमने करनी जरूरी है वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगी, क्योंकि हम बहुत बार ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे CNT ट्रेनर्स है, हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स है। आप अगर देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर आपका पर्सन आप एक एंटर कर रहे हो तो किसको एंटर कर रहे हो, हु, मतलब किसको, कोई ब्यूटिशियन है या कोई दुकान, किसी का शॉप है या कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी दूसरा बिजनेस है, आपको किसको एंटर करना है। आज का आपका फाइनल हो जाना चाहिए कि कल मैंने क्या करना है, 10 कॉल इस टाइप से करनी है, राइट। हु मतलब किसको एंटर करना है, ये समझना आपने जरूरी है, तभी आप कल के दिन कॉल कर पाओगे। रोज का आपका स्ट्रेटेजी पहले दिन डिसाइड होना चाहिए कि कल के मेरे 10 कॉल मैंने आज लिख के रखे हैं, कुछ भी हो जाए कल मैं मेरे 10 कॉल ये करूंगा। जैसे हमने अभी अभी डिसाइड किया था कल के दिन कि आज कल हम क्या करेंगे, मैंने और शार्दुला मैम ने डिसाइड किया था कि हम पूरे हमारे जितने भी डायरेक्टर्स एंड अबोव है उनका हम ब्रॉडकास्ट बनाएंगे। कल रात को 2 बजे तक बैठ के हमने उनका ब्रॉडकास्ट बनाया,
क्योंकि हमारे सारे मैसेजेस उनसे मिस ना हो, हम कुछ ना कुछ उनको भेजते रहे और कनेक्ट रहे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच वाला अपलाइन कनेक्ट नहीं रहता और एक अच्छा क्राउन जो क्राउन बन सकता है, जिसकी बहुत अच्छी इनकम आ सकती है, वो मिस हो जाता है। तो ये चीजों की वजह से कल हमने क्वालिफाइड डायरेक्टरशिप का हमारा एक ब्रॉडकास्ट बनाया। आज हम क्या करेंगे, आज हमारा डिसाइडेड है, आज नॉन क्वालिफाइड जो डायरेक्टर्स है उनका आज हम ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि नॉन क्वालिफाइड अगर क्वालिफाइड बनेंगे तो हम उनको चेक दिला पाएंगे, उनको सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। तो कौन किसके लिए, मतलब किसके साथ काम कर रहा है, करना है, हु, तो ये आपका डिसाइड होना जरूरी है। व्हाट, राइट, आप देखिए सारे W यहाँ पे है, हु, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, वेयर, हुम, राइट। तो किसको कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कहाँ पे, मतलब क्या क्राइटेरिया रहेगा, व्हिच, हुज, मतलब जैसे देखिए हर चीज हम जो है ये इसी क्राइटेरिया पे चलती है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, किसको कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कौन से टाइम को आपका मीटिंग रहेगा, कौन से मीटिंग में एंटर करना है, क्योंकि कोई एग्री वाला पर्सन अगर है, व्हेन, उसको टाइम पता होना चाहिए ना आपको मीटिंग का, कि अगर एग्री वाला पर्सन है तो एग्री की मीटिंग दोपहर को 2 बजे है, अगर आपको हुज मतलब मीन्स कौन सी मीटिंग है, अभी समझिए मिस्टर ऑफ मिलान की मीटिंग है और एक ब्यूटिशियन को एंटर करना है, तो व्हेन आपको टाइम पता होना चाहिए, वेयर, जूम पे करना है, वेबएक्स पे करना है। आप देखिए बहुत सारे ऑलरेडी ऐप चल रहे हैं, आज तो जियो भी एंटर हो गया है, थैंक यू समीर सर एंड मोहम्मद सर, इन्होंने मुझे जियो का इंट्रोडक्शन करवाया और इसी के वजह से मैंने आज जियो ऐप डाउनलोड किया, बिल्कुल जूम की तरह ही है और इंटर मतलब हम स्वदेशी ऐप पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक कुछ ही दिनों में हम सारी टीम को वही एंटर कराएंगे और पूरा हम जूम ऑफ करके पूरा जियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक इंडियन ऐप है, राइट। तो वेयर आपको कौन से ऐप में एंटर करना है, क्योंकि हमें जैसे देखिए कौन से ऐप पे, यूट्यूब पे मीटिंग है या फेसबुक पे मीटिंग होने वाली है या जूम ऐप पे होने वाली है या अभी जैसे जियो शुरू होगा उस पे होने वाली है या वेबएक्स पे वेबिनार है या कंपनी का सेशन है, हमें पता ही नहीं होता। अगर हमें कल वो सेशन अटेंड करना है या दोपहर को वो सेशन अटेंड करना है तो वो कहाँ पे है वो याद रखना जरूरी है, वो लिख के रखो आप। अगर आपके 10 पर्सन है एग्री के तो एग्री का डेटा निकाल के आप लिख के रखो कि वो पर्सन को वहां पे एंटर करना है, इसके लिए उनको आपको ब्रॉडकास्ट बनाना है या कॉल करने हैं या उनको मतलब कैसे मैसेज भेज के बताओगे, व्हाट्सएप करोगे, लिंक शेयर करोगे, जो कुछ भी है, राइट। एंड टू हुम, मतलब आप किन का सेशन कर रहे हो उनको भी आपने प्रमोट करना जरूरी है कि समझिए एग्री का ट्रेनिंग है या फिर समझिए मेरा ट्रेनिंग है, तो ये मेरे अपलाइन है, ऐसे ऐसे इनका लेवल है, ये सारी चीजें आप प्रमोट कर रहे हो क्या, वो पर्सन एक्साइटेड हो रहा है क्या कि ये सेशन में मिस ना हो, राइट। तो ये सारी जो चीजें है ना, हु, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, वेयर एंड हुम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम ना भूल जाते हैं, हमें पासवर्ड कौन सा है, पासवर्ड हर लिंक का अलग अलग होता है, CLP का पासवर्ड अलग है, जैसे रेगुलर ट्रेनिंग का पासवर्ड अलग है, बाकी जो हमारे शार्दुला मैम की मीटिंग रहता है उसका पासवर्ड अलग है, कंपनी के सेशन का पासवर्ड अलग है, हमारा जो वर्कशॉप रहता है उसका पासवर्ड अलग है। तो हमारे पास लिंक होता है, लिंक के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब पासवर्ड की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो पासवर्ड कौन से लिंक का कौन सा है ये भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है कि हमें जल्दी वो एंटर करने का मौका नहीं मिलता और 100 या 500 या 1000 की जो मीटिंग होती है 1 मिनट या 2 मिनट में फुल हो जाती है और ये मीटिंग फिर हमें मिलती नहीं है और हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए था हमें मिला नहीं, राइट। अगर आपको आपके दिन का 100% कवर करना है तो सारी चीजों का ध्यान रखना आपने बहुत जरूरी है। आगे की स्लाइड पे चलते हुए क्लैरिटी में आइए, क्योंकि क्लैरिटी में आप अगर ऑनलाइन मीटिंग करोगे तो क्लैरिटी में आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, राइट। देखिए वी ऑलमोस्ट वर्किंग ऑनलाइन नाउडेज, आज हम देख रहे हैं कि सारा काम हम दिन में ऑनलाइन कर रहे, एक आधी मीटिंग है जो हम कर पा रहे, स्टार्टेड बट डूइंग वेग वर्क, राइट। आपने ऑनलाइन देखिए कोविड के सिचुएशन में हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट तो हो गए, राइट, बट ये जो शिफ्ट हुए हम अभी भी वेग वर्क कर रहे, हम अभी भी क्लैरिटी वर्क नहीं कर रहे कि रोज हमने 10 लोगों को कॉल करने हैं, कम से कम 5 लोग एंटर होंगे। आज मेरे नए 5 लोग एंटर हुए क्या, आज आपका ये होमवर्क है, होमवर्क ही बोलूंगी क्योंकि जैसे आप होमवर्क समझोगे इसको तभी आप वो काम कर पाओगे। आज आपका ये होमवर्क है
कि रोज जो डेली हमारी 9 बजे मीटिंग होती है उसमें आपने आज नए 5 कॉन्टैक्ट को एंटर किया क्या। आप टारगेट लेके चलो, राइट। आप जितना टारगेट लेके चलोगे, आप एक डायरी पेन रखो कि मेरे आज इतने 5 लोग एंटर हुए थे, कल मेरे और नए 5 प्लस पहले वाले 5 एंटर हो जाएंगे। अगर आपको 1 लाख का चेक बनाना है तो यही एक तरीका है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, राइट, तो आपको वहां पे भी एफर्ट लेना पड़ रहा है, यहाँ पे भी आपको फोकस होना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अटेंड बट नॉट इनवाइट, राइट। आप अटेंड तो कर रहे हो, बहुत सारे लीडर्स मैं ऐसा देख रही हूँ कि हम ना हम एकदम कमिटेड है, हम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप आपके लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हो, तो आपका चेक कैसे बढ़ेगा, आपका ग्रुप कैसे बढ़ेगा और आपका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, राइट। अगर आप अटेंड कर रहे हो तो मैं समझ रही हूँ मेरे लिए आपका वैल्यू है, राइट। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लीडर है जो कमिटेड है, एकदम कमिटेड है, राइट, वो 50, 55, 60 फेसेस जो है, जो आज मैं सबको देख रही हूँ, आप सब जो अभी अवेलेबल हो यहाँ पे, ये सारे ना मेरे 70 लीडर्स जो है वो कमिटेड लीडरशिप है, राइट। लेकिन आज की जो कमिटेड लीडरशिप है, आप ही देखिए कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, इनवाइट नहीं करोगे, आप किसी को भी नहीं बताओगे कि ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है और आप इस पे साइड बाय साइड वर्किंग करके 1 लाख to 5 लाख 10 लाख पर मंथ भी कमा सकते हो, तो यहाँ पे कोई एंटर नहीं होगा, और एंटर नहीं होगा तो आपका ग्रुप बढ़ेगा नहीं, और आपका ग्रुप बढ़ेगा नहीं तो आप चेक कमा नहीं पाओगे। तो आप अटेंड तो कर रहे हो बट इनवाइट नहीं कर रहे हो, तो इनवाइट करना है आपको। डेली 10 कॉल कमिटेड करो। आज से हम एक नई और एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके भी 10 कॉल हो जाए, राइट, उसने जो भी आपके ग्रुप है जिसमें मैं कनेक्टेड हूँ, वहां पे तुरंत डाल देना है कि आज मेरे 10 कॉल कंप्लीटेड, राइट, 10 कॉल कंप्लीटेड, इतना ही डालना है आपने। तो मुझे पता चलेगा कि कौन है जो 1 लाख पर मंथ कमाना चाहता है, तो उसी की तरफ मैं ध्यान दूंगी, राइट। अगर आप वीक वर्क कर रहे हो तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, कि जैसे आपको समझिए 1 लाख पर मंथ मैं आपके लिए सोच रही हूँ, राइट, बट आप सोच रहे हो कि ठीक है 25,000 मिले तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप एक काम कर रहे हो, और आप एक काम कर रहे हो तो आपके कॉल कम हो रहे हैं, और अगर आपके कॉल कम हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट कम आएगा। तो मुझे कमिटेड वर्क करने वाले मेरी टीम की जरूरत है, और मैं देखना चाहती हूँ कल से पूरे मंथ में, जुलाई के पूरे मंथ में, कल से ये शुरू होगा, कल से मॉर्निंग से शाम तक जिसके भी 10 कॉल कंप्लीट हो जाए, आप ग्रुप पे तुरंत डाल दीजिए कि 10 कॉल कंप्लीटेड, राइट। अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट 10 कॉल कंप्लीट होते ही आप चाहे 50 कॉल करो, बट 10 कॉल कंप्लीटेड का मैसेज ग्रुप पे डाल दो। उसका असर ये होगा कि अगर कोई नहीं कर रहा, आप ही की टीम में है, तो उसको ये तो लगेगा कि अरे मेरी मैडम या मेरे सर तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इनिशिएटिव कम ले रहा हूँ। तो इसी की वजह से ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप भी बढ़ता रहेगा, राइट। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इनवाइट बट नॉट फॉलो। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि आप इनवाइट तो करते हो बट उसके बाद फॉलोअप नहीं हो पाता, और सेकेंड डे वो पर्सन नहीं एंटर होता। रीजन ये है कि आपने फॉलोअप नहीं किया, रीजन है ये है कि आपने उनको वापस कनेक्ट नहीं किया, तो वो एंटर तो हुए, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए, और फिर वो दूसरी किसी को मिल जाते, वो बोलते अच्छा आपने वेस्टी सुना था क्या, ठीक है फिर मेरे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने शुरुआत तो की बट क्लोजिंग किसी और ने कर लिया, राइट, ये हो जाता है। तो आपने इनवाइट करना है, और हर पर्सन के लिए आप डायरी रखो, आपने कितने कॉल किए, किसको फॉलोअप करना है, आप इसकी अगर डायरी रखोगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी, बड़े बड़े मैनेजमेंट भी खुद की डायरी रखती है। मैं जब बाली सर से मिलने गई थी दिल्ली में, जब हम कुछ मीटिंग के लिए गए थे, तो बाली सर के टेबल पे भी मैंने देखा था, दीपक सर के टेबल पे भी मैंने देखा था, कन्वर सर के टेबल पे भी देखा था मैंने, विक्की सर, ज्योति मैम, इवन मैं, शार्दुला, जितनी भी सीनियर लीडरशिप है सारी डायरी मेंटेन करती है। अगर हम डायरी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड कंप्यूटर है, लेकिन हमारा माइंड कंप्यूटर नहीं है, हम भूल जाते हैं चीजें, हम कॉल करना भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम फॉलो करेंगे, याद रखेंगे, भूल जाते हैं। मैं तो मेरा बोर्ड, बहुत सारे लीडर्स जो अभी घर आ चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने तो एक बड़ा बोर्ड बनाया है, उसमें मैं मेरे डेली फॉलोअप लिख के रखती हूँ, और जितने हो जाए वो मिटा देती हूँ, फिर नए फॉलोअप उस पर लिखती हूँ, क्योंकि मेरा फिर काम वो चलता रहेगा इसके हिसाब से। तो ये जो चीजें हैं ये आपने समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें देखिए काम करने का एक तरीका होता है,
अगर आप वही सिस्टम फॉलो करोगे, जैसे एक हाउसवाइफ देखिए, अगर एक घर में अभी मेड नहीं आ रही है तो हम काम तो सब कर रहे हैं, इवन मैं जितना समझती हूँ कि जेंट्स भी आजकल घर में हाथ बटा रहे, राइट। आप देखिए घर में अगर छोटी सी चीज है, खाना बनाना है तो इसका एक तरीका है, राइट। अगर सीधी छोटी सी बात, दूध उबालना है और आपने पैकेट वाला दूध मंगवाया, तो आप एक जैसे एक क्या बर्तन लेके उसमें डायरेक्टली वो बैग डाल देते हो क्या? नहीं, आप क्या कर रहे हो, कोविड की सिचुएशन है, वो बैग घर लाते हो, पूरा बाहर से वॉश करते हो, क्लीन करते हो, फिर वो काटते हो कैंची से, फिर वो बर्तन में डालते हो दूध, तपेले में डालते हो दूध, फिर वो गर्म करने के लिए रखते हो, राइट। या ऐसा कुछ है डायरेक्टली वो पैकेट लाया और गैस पे रख दिया? नहीं ना। तो मतलब हर चीज का सिस्टम है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो उसका भी सिस्टम है। अगर इसमें काम आपने जो सिस्टम से किया तभी आपको वो रिजल्ट आएंगे। जो जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब आप सिस्टम कुछ मतलब उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि अगर रिजल्ट बाकी लोगों को आ रहे हैं और आपको नहीं आ रहे, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हो रहा है, वो चेक करना है बस। वी हैव टू वर्क ऑनलाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि एक दो महीने में ये सिचुएशन क्लोज हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम ये सिचुएशन अभी हमें ये कैरी करके चलना होगा, क्योंकि आजकल केसेस इतने बढ़ रहे हैं हर जगह, कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है आपको भी, मुझे भी, राइट। तो ये ऑनलाइन सिचुएशन चलता रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही हमें काम करना होगा। तो ऑनलाइन पे आप कैसे काम कर सीखेंगे, ये सीखने के लिए हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है, राइट। अगर ये समझने पहुंच रही है तो वापस एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए। थैंक यू सो मच नितिन सर। वी हैव टू वर्क ऑनलाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। तो ये जो है बात के हमें अभी ऑनलाइन ही काम करना होगा। तो अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये सिस्टम अगर हमने सीख लिया कि वर्क फ्रॉम होम करना कैसे है, उसमें सबसे जरूरी बात जो कल से मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि हमें ऑनलाइन इन्वाइट तो करना है, लेकिन हम ये कैसे करें। तो आज आपने देखा होगा मैंने 15 तारीख तक का शेड्यूल ग्रुप पे भेजा है। आप डेली जो कांटेक्ट करते हो सबको बताना शुरू करो कि आप, जैसे समझिए किसी ब्यूटिशियन को आपने कांटेक्ट किया जब, या किसी कोई भी बिजनेस है, राइट। आप बोल सकते हो कि स्पेशली हमने ब्यूटिशियन के लिए एक वर्कशॉप रखा है जो वर्क फ्रॉम होम है, और हमारे साथ वर्क करके आप 6 से 8 महीने में या 6 महीने से 1 साल में 50,000 से 1,00,000 पर मंथ कमा सकते हो। इसका हमारा एक सिस्टम है, हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। आपको इसमें 7 डेज एंटर होना है, डेली 7 डेज आप एंटर हो जाओगे तो इसका सिस्टम आप समझोगे, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसमें स्पीड अप कर पाओगे, राइट। आप कोई भी मीटिंग आपका शुरू होता है तो आप CLP ट्रेनिंग से शुरू कर सकते हो। आपका फर्स्ट मीटिंग हो गया, फिर सेकेंड मीटिंग हो गया, फिर ट्रेनिंग, 7 डेज का वर्कशॉप जो हमने रखा है, 7 डेज में आप काम करो, 7 डेज रेगुलर आप इसको ट्रेनिंग में अटेंड करो, कोई ना कोई वर्कशॉप लेके वापस 7 डेज, वो किसी भी बीच वाले दिन में भी कनेक्ट हो गए तो भी अगेन 7 डेज में वो सारी चीजें जो उनको देनी है हमने वो कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ ना कुछ उनकी कनेक्टिविटी बनती रहेगी और ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे। तो दिन में आप 10 कॉल अगर करोगे तो देखिए, आप अगर यहाँ पे मैं जहाँ जो जितने अवेलेबल है उनकी भी बात करूँ, 72 पीपल्स, तो 72 लोगों ने अगर 10 कॉल किए तो 720 कॉल हो जाएंगे, बराबर है ना। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो 720 कॉल हो जाएंगे, 720 से 10% लोग भी नए एंटर करेंगे, तो आज की मीटिंग में 72, कल की मीटिंग में 72 और होंगे, राइट। अगर आपके साथ साथ 1% भी आ गया, 10% भी नहीं, 1% ही बोल रही हूँ मैं, 1% ही बोल रही हूँ, परसेंट भी नहीं, राइट। तो 1% भी एंटर हो गया तो भी हम डुप्लीकेशन सही कर पाएंगे, एंड डेली डुप्लीकेशन करेंगे तो 1,000 लोगों का मीटिंग 7 डेज में हो सकता है, और 1,000 लोगों का मीटिंग होगा तो ही क्लोजिंग अच्छे होंगे। आप ज्यादा क्वांटिटी, ये स्पॉन्सरिंग का बिजनेस है, जितने ज्यादा स्पॉन्सरिंग होंगे, जितने ज्यादा ज्वाइनिंग होंगे, उतने ज्यादा लोग टिकेंगे, राइट। तो ये जरूरी है। आगे की स्लाइड पे चलते हुए और कुछ बातें जो डिसिप्लिन है वेबिनार के, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आपका ऑडियो आपने
ऑफ रखना है, आपने ऑन नहीं रखना है, क्योंकि आपका ऑडियो चलता रहता है तो मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। उसके साथ साथ आपका वीडियो, मैंने बताया कि वीडियो आप ऑन रख सकते हो, बट वीडियो अगर आप ऑन रखोगे तो आपने एक सही ढंग से ऑन रखना है। बहुत सारा मतलब कुछ चीजें जो आज मैं सही में समझाना चाहती हूँ, मतलब मुझे पहले लगता था कि ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, राइट, लोग अपने आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये देख पा रही हूँ कि लोग अपने आप अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए ये समझाना जरूरी है, स्पेशली जेंट्स के लिए, कि प्लीज आप मतलब जो जैसे बैठे हो, आपके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी लेडीज भी रहती है, राइट, आपको अगर वो देखेंगी आराम से आप सो रहे हो, बनियान पहन के बैठे हो, राइट, तो मतलब वो गलत लगता है, एक मैनर्स के हिसाब से भी गलत लगता है। ये बातें बताना कितना जरूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है अगर बाहर कहीं मीटिंग में बैठे तो उन पे कोई उंगली ना उठाए, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्या क्या चीजें होती रहती है, क्या क्या इंसिडेंट्स होते रहते हैं, थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल दिया, तो ये चीजें आप ना करें तो बेहतर है। म्यूट अनम्यूट, बीच बीच में जैसे हम म्यूट करते हैं किसी को, आप वापस अनम्यूट कर देते हो तो वो डिस्टर्बेंस होती रहती है। बीच बीच में जैसे स्क्रीन शेयरिंग, ये तो आपको अच्छी बात है कि मेरे मतलब हमारी मीटिंग में 9 बजे की मीटिंग में ये डिसिप्लिन मैंने बहुत देखा है अच्छे से, कि स्क्रीन शेयरिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सबके लिए कि आप कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं करते हो और बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो एंड बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हुआ, तो बहुत अच्छा वर्किंग होगा और आपका 1 लाख का चेक बहुत जल्दी आने वाला है। डू नॉट ड्रॉ ऑन स्क्रीन, तो ये तो बात आपको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आप समझ चुके हो यहाँ पे, राइट। अपीयरेंस, आपका जो अपीयरेंस मैंने बताया कि जैसे आप बैठे हो, वो बैठने का स्टाइल आप देखिए, आपकी पूरी टीम आपको देखती रहती है, राइट। आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो रहे हो तो कोई ना कोई टीम के सामने आपका इम्प्रेशन हो रहा है, राइट। आप अगर लेटे हो, सोए हो, आराम से बैठे हो और जो कुछ भी चल रहा है, तो अगर ये चल रहा है ना तो डेफिनेटली आपका इम्प्रेशन डैमेज हो रहा है। और आप देखो, अगर आप किसी इवेंट में गए और आप ब्लेजर वेजर भी पहने, तो भी वो बंदे के सामने आप क्राउन डायरेक्टर भी हो जाओगे ना, तो भी उनके सामने आपका इम्प्रेशन क्या रहेगा, जो उन्होंने देखा होगा वीडियो में, राइट। तो वो इम्प्रेशन आपका गलत ना जाए, इसके लिए आपने वो सारी चीजें फॉलो करनी जरूरी है, राइट। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी, आपकी टीम से कनेक्टिविटी, सारे मीटिंग्स में एंटर हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये देखना जरूरी है। आपने डायरी पेन लेके बैठना जरूरी है, और इसके साथ साथ मीटिंग का आईडी, पासवर्ड और मीटिंग का डेट आपको पता होना चाहिए। पिछले हफ्ते एक मीटिंग, बहुत जरूरी मीटिंग एक लीडर का मिस हो गया था, राइट। रीजन ये था कि डेट याद नहीं था, लेकिन ये देखिए छोटी छोटे रीजन्स है, ये हमने नहीं देने चाहिए। हमने बस अगर हमारे 1 लाख पर मंथ की जिम्मेदारी हमारी है तो ये सारी चीजें हम ही ने फॉलो करनी है। अगर आपको आपकी जिम्मेदारी लेनी है तभी ये चेक आएगा, तभी ये सारी चीजें होंगी, राइट। आगे की स्लाइड पे चलते हुए डिसिप्लिन ऑफ वेबिनार हमने बता दिए है, लेकिन अभी देखिए आपको मैंने ये बता दिया कि आपने वीडियो ऑन रखने हैं। कल से तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मैक्सिमम वीडियो ऑन रहे। अगर नेटवर्क इशू है तो ठीक है, राइट, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा पूरे दिन में अगर हम बिजनेस के लिए हमारे 1 ही घंटा दे रहे हैं तो हमारे मैक्सिमम वीडियो ऑन रहे तो अच्छा है। लेकिन ये ट्रेनिंग आज का जो है स्पेशली CLP ट्रेनर्स एंड जितने भी ट्रेनिंग पैटर्न में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए है। आप सेटअप योर सेटअप, राइट। सेटअप योर सेटअप मतलब क्या, आप जहाँ पे बैठे हो, अगर आप मेरा मुझ पे आप अगर शर्मिला मैम लाइट फोकस कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे जो सेटअप है या मैं जहाँ बैठी हूँ वहां का अगर आप सेटअप देखोगे तो ये सारा सेटअप जो है ना, आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पे कितनी लाइट आ रही है, आप कैसे बैठे हो, तो ये सारा समझना जरूरी है। देखिए अभी अगर आपने मेरा, मैं जहाँ बैठी हूँ वो वीडियो देखा होगा, तो बहुत सारे लीडर्स जैसे बैठते हैं, कभी कैमरा घूमता रहता है, ऐसे वैसे जो चलता रहता है ना, आपका सेटअप जो होना चाहिए ना, आप जहाँ बैठे हो वो सही ढंग से बैठना आपने जरूरी है।
सही जगह पे एक टेबल कुर्सी लेके अच्छी सी जगह चूज करके आपके घर में एक ऑनलाइन का कॉर्नर बना के आप देखिए, अगर स्पॉटलाइट पे अभी मैं हूँ तो सामने जो दिख रहा है आपको उसका बैकग्राउंड, उसका लाइट, हैंड मोमेंट्स, जो मैंने जगह रखी है, स्पेस रखा है, आधा कट नहीं हो रहा है, फेस आधा कट नहीं हो रहा है। बहुत बार ये ऐसा हो जाता है कि अंधेरे में अगर ये पूरा मैं उल्टा घुमाऊंगी, आप देखिए मैं एक जस्ट जनरल एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर ये पूरा मैं उल्टा घुमाऊंगी तो ये ब्लैक दिखेगा, राइट, और ये लाइट अच्छे से नहीं आएगा और उसका बेनिफिट भी नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस करें और छोटी छोटी चीजें हैं ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ये हमें फॉलो करनी जरूरी है, राइट। ये आपने जो सेटअप बनाना है वो सही ढंग से आपने बनाना जरूरी है, और ये सेटअप आप बनाओगे तभी लोग आपको लीडर मानेंगे, राइट। ऑनलाइन में आपको सेटअप भी सही रखना होगा, क्योंकि आप मतलब जैसे आप खुद को भी प्रेजेंट करने वाले हो, जो आप वीडियो पे नहीं रहोगे तो आप प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे, धीरे धीरे आप लीडरशिप कैसे बैठती है, क्या करती है नहीं सीखोगे, इसीलिए आपको वीडियो पे आना है, राइट। और ये वीडियो पे आओगे तभी आप उसमें डेवलपमेंट कर पाओगे, तभी आप धीरे धीरे ब्लेजर में या फिर जो मैनर्स मीटिंग के होते हैं उस मैनर्स में आके बैठना शुरू करोगे, राइट। आगे की स्लाइड पे चलते हुए पीपीटी हम रन करेंगे आगे, एंड ये जो हमने मैं आपको बताया सेटअप योर सेटअप, तो ये बहुत चीजें जरूरी है कि आपका सेटअप लगा रहे हो आप, तो जहां पे बैठे हो एक परमानेंट सेटअप आप कर दो कि ऑफिस में जैसे ऑफिस में सेटअप होता है वैसे हिसाब से। आगे की स्लाइड पे इसके कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या क्या करना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि इफेक्टिव लाइटिंग सेटअप, राइट, आप जहाँ पे बैठे हो वहां लाइट सेटअप अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके फेस पे अंधेरा आ रहा है तो आप लाइटिंग सेटअप नहीं कर सकोगे। आप देखिए मोबाइल में भी लाइट के ऑप्शन अभी मिल रहे हैं, या रिंग लाइट मिलती है, तो रिंग लाइट आप सामने से आपके फेस पे ऐसे स्टैंड जैसी मिलती है वो ऐसे रख सकते हो, जैसे कीप लाइटिंग बिहाइंड कैमरा एंड ऑन योर फेस, आपके फेस के सामने ये लाइट होनी चाहिए तभी। देखिए ऑनलाइन मीटिंग करनी है तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, और ये हम सिखाना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लाइट आपके सामने रखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका फेस ग्लो करेगा और आप अच्छे दिखोगे, राइट, तभी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वीडियो पे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आगे के स्लाइड पे देखिए कि क्या क्या और चीजें हैं। बैकग्राउंड सेटअप, आप जैसे देखिए कोई भी बैकग्राउंड होता है, बच्चे खेलते रहते हैं पीछे, कुछ ना कुछ चलता रहता है किचन में, मतलब काम चल रहा होता है। कोई तो पर्सन मैंने देखा था मीटिंग में 8 दिन पहले, एक पर्सन खाना खाते खाते मीटिंग सुन रहा था, राइट। तो अगर आप कुछ दूसरा कर रहे हो तो आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है, जैसे हर मीटिंग में बताया जाता है कि दूसरा कुछ कर रहे हो तो आप वीडियो ऑफ रखो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि दूसरा कुछ कर रहे हो तो वीडियो ऑफ रखो। मैं ये बताऊंगी कि आपको ये कोई भी मीटिंग है 9 बजे की, यस, या कोई भी बाकी भी मीटिंग है, दोपहर की हो, शाम की हो, कोई भी मीटिंग, अगर आप 1 घंटे फोकस नहीं बैठ सकते तो आप मीटिंग ऑन ही मत करो, ये मैं बताऊंगी। क्योंकि 100% मतलब ये 99% वगैरह कुछ नहीं होता है, अगर आप कोई भी चीज पे 100% फोकस रखोगे तो ही आपका वो सक्सेस मिलेगा। आधा अधूरा नॉलेज जो होता है ना तो वो हमेशा रिस्की होता है, कोई भी आधा अधूरा नॉलेज। आपने अभिमन्यु की स्टोरी सुनी है, उन्होंने चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना था, आधा अधूरा नॉलेज उनको था और यही रीजन बना उनकी मौत का, उनकी मृत्यु का रीजन यही बना, क्योंकि नॉलेज आधा था, तो आधा कैसे चक्रव्यूह में एंटर करना था उनको पता था, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे निकलना है उनको पता नहीं था, राइट। तो आपकी भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी अगर आप आधा मीटिंग सुनोगे। तो अगर आप 1 घंटे बैठ सकते हो तो ही मीटिंग में एंटर हो जाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं, राइट। प्लेन और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, आप जहां पे भी बैठे हो आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, अगर हो सके पॉसिबल है, या फिर एक अच्छा सेटअप होना चाहिए पीछे जहां बैठे हो, क्योंकि आपके ऊपर जब लाइट आएगा तो पीछे का भी थोड़ा सा जगह तो हाईलाइट होता है, तो वो भी ठीक दिखना चाहिए, राइट। और अगर आप मीटिंग ले रहे हो, आप ट्रेनर हो तो ये बातें आपने फॉलो करनी है कि आप अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपके फेस पे लाइट आ रहा है क्या पूरा, आप कहाँ पे बैठे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, पीछे बच्चे तो नहीं खेल रहे, पीछे दूसरा तो कुछ नहीं चल रहा है, राइट। तो ये सारा आपने देखना जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये समझानी जरूरी है। आगे के स्लाइड पे चलते हुए जैसे आपने देखा कि बैकग्राउंड,
इसी के साथ साथ माइक आपका इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका माइक इफेक्टिव नहीं है तो आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। माइक्रोफोन का सेटअप जो होता है वो भी आप सही देखना जरूरी है। ऑडियो आपका ऑफ तो नहीं है, आप बात कर रहे हो सामने वाले को समझ में तो आ रही है, आप बात कर रहे हो सुनाई तो दे रही है, ये भी चेक करना जरूरी है अगर आप बात कर रहे हो तो। राइट, आगे की स्लाइड पे चलते हुए छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे जरूरी बात, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, ये ऑनलाइन मीटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका ब्रॉडबैंड सेटअप मतलब आपका जो नेटवर्क है, बहुत सारे लोग अभी डेटा लेके चल रहे हैं, डेटा पे ही हमारा सारा मीटिंग होता है। और आप देखिए अगर दिन में आप मीटिंग करते हो शाम तक आपका डेटा खाली हो जाता है, डेटा खत्म हो जाता है और आपको शाम का मीटिंग नहीं मिलता है। राइट, तो आप घर में अगर 9 बजे कोई भी पर्सन ऑलमोस्ट टाइम्स घर में ही होता है, राइट, तो आप घर में एक वाईफाई सेट करा लो। वाईफाई का कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 400-500 रुपए पर मंथ रहता है, लेकिन आपको आपका जो मीटिंग करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन करना है या खुद प्रेजेंटेशन सुनना है, दोनों चीजों के लिए वाईफाई जरूरी है। क्योंकि आपका मीटिंग अगर बीच बीच में कट हो जाता है, अगर आपका नेटवर्क कट हो जाता है तो आपको अगेन आधा नॉलेज मिलेगा जो रिस्की है, मैंने जो बताया। राइट, इवन अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका ट्रेनिंग है, आपने रखवाया है, या आपका CLP आप ट्रेनर हो, या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग में अगर आप पार्ट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप उसके ट्रेनर हो, तो आपने बहुत ज्यादा इसका माइन्यूट प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है तो सामने वाला सुन नहीं पाएगा और आपकी 1 घंटे की मीटिंग फेल हो जाएगी। राइट, आप देखिए ऑनलाइन पे अगर आप वर्क कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बातें जो समझनी जरूरी है। आगे की स्लाइड पे चलते हुए, ये आपके छोटे छोटे मतलब लाइट पॉइंट लेना, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 150-200 रुपए का, लेकिन अगर आपका इफेक्टिव बिजनेस निकलना है तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी एक पर्सन आपको वो मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो और सुन रहा है, तो उसके ऊपर अगर आपका गलत इफेक्ट चला जाएगा या आपको वो क्लैरिटी पे नहीं आएगा, आपका इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा उस पे, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो आपका इम्प्रेशन टिकाए रखने के लिए भी ये छोटी छोटी चीजें जरूरी है। राइट, तो क्लैरिटी, आपका जो एजेंडा है इस मंथ का, गोल सेटिंग हम इसको बोलते हैं, आज जैसे 12 बजे से पहले, ये मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि आज 3 तारीख है, 3 तारीख आज रात को 12 बजे से पहले इस महीने आप कितना PV करोगे, मुझे पर्सनल पे आ जाना चाहिए, या फिर आपके अपलाइन को आप भेजोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप आपके अपलाइन को पर्सनल पे भेजोगे कि मैं इस महीने 10,000 PV करूंगा या 1,000 PV करूंगा, या मेरा सेल्फ परचेस 100 PV प्लस मैं इतना इतना PV करूंगा या करूंगी, क्योंकि वो उसी टाइप से आपको गाइड करेंगे जो आप करना चाहते हो। बराबर, आपकी इच्छा है कि आप LOB करें, आपको 25,000 का चेक आए और आपका अपलाइन समझ रहा है कि आप एटलीस्ट डायरेक्टर मेंटेन करें, और वो फिर तफावत हो जाएगी माइंडसेट में, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और आप अच्छा काम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं ला पाओगे। तो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि इस महीने का आपका टारगेट क्या है। राइट, आप क्या चाहते हो। अगर वो बड़ा अपलाइन थोड़ा स्मार्ट है तो वो डेफिनेटली आपके माइंडसेट के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा टारगेट आपको बढ़ा के आपको मोटिवेट भी करेगा। राइट, तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो आपका क्लियर एजेंडा जुलाई का हो जाना चाहिए इस महीने, हम जुलाई में इसलिए, अदरवाइज आपके हर महीने में आपका एजेंडा फाइनल होना चाहिए कि इस महीने आप कितना PV करोगे, कौन सा लेवल अचीव करोगे, कौन सा प्लानिंग करोगे, क्या एग्जैक्ट आप चाहते हो इस महीने। राइट, तो आप अगर क्लैरिटी पे आओगे तो आपको डेफिनेटली इसका बिजनेस बेनिफिट मिलने ही वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए, आपका फोकस एकदम क्लियर रहे ये जरूरी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, प्रिपेयर योर सिस्टम इन एडवांस। राइट, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम मीटिंग में एंटर करते हैं, फिर कोई दिक्कत आ जाती है, फिर मीटिंग से ऑफ हो जाते हैं, फिर मीटिंग में एंटर करते हैं, फिर कुछ दिक्कत आ जाती है। राइट, तो आपके जो सिस्टम है, अगर आप वाईफाई सेट करोगे तो नेटवर्क का इशू नहीं होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर 1 घंटे बैठोगे घर में तो उसके पहले अगर आपको खाना खाना है, खाना बनाना है, जो कुछ भी है, डिस्ट्रैक्शन जितने भी है, घर में कुछ काम पेंडिंग है, किसी को कोई मैसेज देना पेंडिंग है, किसी को कॉल करना पेंडिंग है, किसी का कॉल उठाना पेंडिंग है, किसी को व्हाट्सएप करके भेजना जरूरी है, वो करना पेंडिंग है, तो वो सब आप पहले से करके रखेंगे। बिकॉज आपको आपका वीडियो पे ना आने का और बाकी सारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो करने का रीजन ये भी है, एक क्योंकि आप फोकस नहीं होते। राइट,
फोकस क्यों नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके सामने रहते हैं कि ये वो सारी चीजें माइंड में चलती रहती है, तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड करना है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं, जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको, मैं सिक्स पॉइंट ऐसे बताने जा रही हूँ आज कि ये सिक्स पॉइंट आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड इफेक्टिव ऑनलाइन मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा वो है सेट टाइम लिमिट्स। आपका कोई भी मीटिंग अगर आप प्लान कर रहे हो, दिन में आप अगर बहुत सारी मीटिंग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सुबह उठ के 9 बजे से लेके जितनी भी कंपनी की मीटिंग मिल रही है, टीम की मीटिंग मिल रही है, सारा करते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमने जो सिस्टम सेट किया है 9 बजे का मीटिंग एंड वॉरियर ऐप का मीटिंग एंड वॉरियर ग्रेविटी का एक जो ऑनलाइन मीटिंग हफ्ते में एक बार रहेगा वो मीटिंग, राइट। एंड जो हमारा वीकली डोज का एक स्पेशल मीटिंग स्पेशल ट्रेनिंग रहता है वो मीटिंग। हम बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं करेंगे, दिन में बस एक ही मीटिंग रहेगी या फिर एक आध मीटिंग और रहेगी। हम कंपनी के सारे मीटिंग आपके लिए इसी टाइम पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आरती मैम से भी बात की है, राजीव सर से भी बात की है, इस हफ्ते हमने 2 ट्रेनिंग आपके लिए रखवाए हैं, एक डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखवाया है और एक मिस्टर ऑफ मिलान का डिटेल ट्रेनिंग। तो आपको जो CLP सुन के बस बेनिफिट्स पता चल रहे थे, इसके साथ साथ इस हफ्ते से हम जो करने वाले हैं वो है आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डिटेल वर्कशॉप। सारी ट्रेनिंग्स हम इसी टाइम को सेट करें ताकि आप आपके बिजनेसेस जॉब सारा सेट करके शाम को 9 से 10 बजे आप एक जगह बैठ के ये सारा अटेंड करो, राइट। इसके आगे की स्लाइड पे मतलब सेट टाइम लिमिट्स, आप जो भी करने वाले हो टाइम लिमिट सेट करके करो तो आपको इजीली उसका बेनिफिट मिलेगा। और माइंड एनर्जी जो भी होती है, राइट, तो माइंड एनर्जी बहुत सारी एनर्जी जो होती है ना वो 50 मिनट्स आपका कंटिन्यू 50 मिनट्स 55 मिनट्स ही आप कंटिन्यू एक चीज समझ पाते हो, राइट। तो कोई भी मीटिंग आप सुनोगे, 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग सुनोगे, तो 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद आपने तुरंत दूसरी मीटिंग में कोई भी एंटर नहीं होना है, आपने थोड़ा सा ब्रेक रखना है, गैप रखना है। इसके साथ साथ सिक्स्थ पॉइंट जो है मेरा है वो है अपीयरेंस, आपका पावर ऑफ अपीयरेंस। आप देखिए अपग्रेड योर लुक एंड योर अपीयरेंस, राइट। ये जो आप देखिए, आप अगर लैपटॉप पे देख रहे हो कुछ फेसेस हमने रखे है सामने, आपका अपीयरेंस आप देखो कैसा लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि 9 बजे यस हम घर में ही हैं, राइट, लेकिन क्या हम घर में भी सही ढंग से बैठे हैं? क्या हम अपीयरेंस हमारा ठीक है या हमारे घर के कपड़ों में हम बैठे हैं? आप देखिए, मैं भी 9 बजे घर में बैठी हूँ, मैं मीटिंग ले रही हूँ लेकिन मैं ब्लेजर में बैठी हूँ, राइट। मैं भी घर में, आपको, आप सारे मुझे बहुत करीब से जानते हो, राइट, मिले हैं, हम पिकनिक को गए हैं, यहाँ वहाँ घूमे हैं बहुत सारी जगह, मतलब आप मेरे घर पे भी आए हो, राइट। लेकिन मैं भी ऐसे नॉर्मल घर की अपीयरेंस में बैठती तो क्या ये प्रेजेंटेबल होता? नहीं होता। तो आप भी अगर मीटिंग में बैठे हो तो आप जैसे ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग हमारी हॉल मीटिंग्स होती थी उसी टाइप से आप अगर अच्छे लुक में बैठोगे तो कभी हम फोटो वगैरह खींचते हैं ना और फेसबुक पे चली जाती है तो आपकी फोटो भी अच्छी आएगी, राइट। तो ये भी जरूरी है आपके लिए कि अपीयरेंस आपका अच्छा हो। आगे की स्लाइड पे चलते हुए एक जो जरूरी बात है, मेंटेन योर सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म इन ऑनलाइन मीटिंग एज यू डू इन ऑफलाइन मीटिंग। जितनी भी ऑफलाइन मीटिंग हम करते हैं, आप देखिए हॉल मीटिंग में अगर हम आते हैं तो कितना सीरियस होते हैं हम उस टाइम, मीटिंग टाइम पे शुरू होती है, फिर हम बीच बीच में उठ के यहाँ वहाँ नहीं घूमते हैं, हम एक जगह चेयर पे बैठते हैं, राइट, हम डायरी पेन लेके बैठते हैं, हम जितना हो सके आगे की फ्रंट सीट पे आके बैठते हैं, हम अच्छे कपड़ों में आके बैठते हैं, हम एकदम सीरियस होते हैं। उसी टाइप से आपने क्या करना है, ऑफलाइन मीटिंग में भी आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है, जो आप जैसे रहते हो वैसे ही आपने, आपका जो खुद का इन्वॉल्वमेंट है वो आपने यहाँ पे भी वैसा ही रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग आपको ज्यादा बेनिफिट देगी ऑफलाइन मीटिंग से भी। बिकॉज ऑफलाइन मीटिंग में हमारा पैसा चला जाता था, आने जाने में पेट्रोल जाता था, टाइम चला जाता था, कहीं पे भी आप मीटिंग के लिए जाओ आपका टाइम वेस्ट हो जाता था, राइट, आने जाने का टाइम, आने जाने का खर्चा और या वहां का टिकट, ये सारी चीजें हमारी इसमें चली जाती थी। आप देखिए यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ये सारा बच रहा है, राइट, ये अगर सारा बच रहा है आपका तो आपने कितना सीरियस होना जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। और आपको अगर ये समय मिला है तो प्लीज इसको वेस्ट मत करो। अगर ये टाइम चला जाएगा तो एक सालों साल निकल जाएंगे, लेकिन आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो आप चाहते हो
वो मिलने के लिए बहुत समय लग जाएगा। जब तक एक बड़े लीडर ने कहा है जितना आपका इनकम है उतना ही नॉलेज आपको है, तो आप देखिए अगर आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आप आपका नॉलेज अपडेट नहीं कर रहे हो, आप आपका नॉलेज अपडेट नहीं कर रहे हो या फिर आप आपका नॉलेज भी अपडेट कर रहे हो लेकिन आप आपकी टीम से कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो। आप आपकी टीम से कनेक्टिविटी भी कर रहे हो, आप फॉलोअप भी कर रहे हो लेकिन आप वो इन्वॉल्वमेंट टीम में और आप में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कि जिसके करते आप आपके टीम को अपने लगने लगो और आपकी सारी शेयरिंग उनसे हो जाए, राइट। आप हर बात आपकी टीम आपको बताए अगर ये ऐसा चाहते हो और आपकी टीम आपसे बहुत कनेक्ट रहे ऐसा अगर चाहते हो तो आप भी वही चीजों में उनकी इन्वॉल्व होना उनके तरीके से, राइट। अगर आप किसी को भी मतलब सामने वाले का माइंडसेट, ये सारा मैन मैनेजमेंट है, राइट। ये जो है बिजनेस इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, पीपल जहाँ पे है मतलब लोग ही इन्वेस्टमेंट है, राइट। लोग ही है इसका जो बोलते हैं ना कैपिटल, क्या है हर बिजनेस का एक कैपिटल होता है, राइट। तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है पीपल, वो है लोग। ज्यादा से ज्यादा लोगों पे आप अगर उनकी जरूरतों को समझोगे, उनको क्या चाहिए, हमें हमें बहुत सारा आता है, राइट। हमें ट्रेनिंग आते हैं, CNT आता है, CLP आता है, मीटिंग्स आते हैं, BOS आता है, बिजनेस कैसे करना है बताना आता है, आत्मनिर्भर प्लान आता है, सब कुछ आता है, राइट। लेकिन ये सब कुछ जो आता है, राइट, ये सब कुछ हमें हर पर्सन को पहले दिन से बताना जरूरी नहीं है। जिनको जितना डाइजेस्ट होगा उतना ही आप दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दिन के बच्चे को कोई दाल चावल नहीं खिलाता क्योंकि उनको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और रॉ मटेरियल पीपल जो है ना, ये कभी कम ना होने वाला है। आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में लोगों की कमी नहीं है। आप घर से निकलोगे या बस मोबाइल खोल दोगे या जस्ट डायल खोल दोगे, कितने सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, राइट। और लोगों को पैसे की जरूरत है। आप देखिए, आप ही कॉल नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग सामने आएंगे और लोग बोलेंगे हाँ हमें जरूरत है, हमें बताओ पैसे कैसे कमाने हैं, और फिर आप बता पाओगे। जिनको भी रिजल्ट नहीं आ रहे ना, पिछले महीने आपने टारगेट किया था कि मैं 10,000 PV करूंगा और आपका 10,000 PV अगर नहीं हुआ है तो एक ही बड़ी बात मिस हुई है, आपने कॉलिंग पे फोकस नहीं किया है। आप बस जो सामने आ रहा है वो काम कर रहे हो और जो सामने आ रहा है वो काम हम जॉब में करते हैं। हमें एक गुलामी जब करते हैं ना बिजनेस, जब हम कोई जॉब अगर करते हैं ना तो हमें बॉस बस बता देता है आज दिन में ये चाहिए, हम वो दे देते, राइट। आगे की स्लाइड क्लोज करिए। थैंक यू सो मच। हम जो मैं आगे जो क्लियर बताना चाहती हूँ आपको अभी, तो हम जो बॉस होता है ना, हम उसको जो चीजें चाहिए होती है, हम आज दिन का वो जो टारगेट दे देता है ना, तो हम वो चीजें दे देते हैं। आज ये रिपोर्ट देना है, हम दे देते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि वो रिपोर्ट ना मैंने करवा के दे दिया, राइट, वो रिपोर्ट ना मैंने कंप्लीट कराया, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखो, अगर हमारा जॉब माइंडसेट भी होगा ना, तो भी जितना बॉस देता है काम उतना हम करते हैं, राइट। तो अगर इस बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए अगर आपके 10-20 कॉल डेली जरूरी है, हम घर में है फिर भी 10 कॉल नहीं कर पा रहे, अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो भी आपको 10 कॉल करने की जरूरत है। मैं भी जॉब कर रही थी लेकिन 10 कॉल में डेली करती थी, 3 मीटिंग में डेली करती थी, तभी ये ग्रोथ हो पाया, राइट। ऐसा आपको लगता होगा कि ऑडी लाना बहुत आसान है, कार लाना बहुत आसान है, फॉरेन ट्रिप्स करना बहुत आसान है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हाँ ये बहुत आसान है। आप जितना सोच भी नहीं पाओगे उससे ज्यादा आसान है अगर आप सिस्टम से चलो। मैं 10 से 7 बजे तक जॉब करती थी। मेरे कुछ कलीग यहाँ पे आज ज्वाइन भी है, वो भी अगर याद करेंगे पिछले दिनों को तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही होता था। क्योंकि एक घंटे में मेरा पानी का बॉटल मेरे टेबल पे नहीं रखती थी, जहाँ पानी का मतलब जहाँ सिस्टम ऑफिस में लगा रहता था, लोग बॉटल भर के अपने साथ रख देते थे कि उठने की जरूरत नहीं। लेकिन एक घंटा काम करके मैं उठ जाती थी, जगह से पानी पीने चली जाती थी और एक कॉल कर लेती थी। अगर आप सिस्टम, आपका जो टारगेट आपने लिया है वो अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको सिस्टम से चलना होगा। देखिए माइंड ना बीच बीच में आप मतलब जितना भी चेंजेस करते रहोगे आपके काम में, आपको अच्छा लगेगा। मतलब जितना ज्यादा आलस नहीं आएगा आपको, रेस्टलेस फील नहीं होगा। आप एक घंटा काम करो, दूसरी कोई भी काम करोगे घर का तो भी चलेगा, ऑफिस का काम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक घंटे बाद एक कॉल करोगे
तो 10 घंटे में 10 कॉल हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक जगह बैठ के 10 कॉल करो आप, राइट। लेकिन अगर ये 72 पीपल जो आज की लीडरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, 72 लोग जो अवेलेबल है, राइट, और आज मैंने 100 टीम को एंटर इसीलिए नहीं किया है कि कल से मैं चाहती हूँ कि आप आपके नाम के साथ एंटर हो, राइट। तो ये जो आप नाम के साथ एंटर होंगे, राइट, तभी मैं आपको एंटर करूंगी। कल से वेटिंग रूम ओपन नहीं रहेगा, आप आपके पूरे नाम के साथ एंटर होंगे। पूरे मतलब पूरा डिटेल नाम नहीं डालना है, बस आपका नाम और सरनेम डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि विनोद नाम डालते हो आप तो विनोद 10-12 हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता विनोद भावे है, विनोद कुलकर्णी है, या विनोद जोशी है, या विनोद और कौन। मैं समझना चाहती हूँ कि कौन सीरियस है, राइट। मैं नाम नहीं जानना चाहती, मैं कितने लोग एंटर हुए हैं, क्या हो रहा है, ये समझना चाहती हूँ कि कौन अपने ड्रीम के लिए, कौन अपने टारगेट के लिए सीरियस है। और मैं हमेशा जाके चेक करती हूँ कितने लोग टिके हुए हैं, राइट। जैसे 72 एंटर तो हुए थे, लेकिन टिके कितने हैं, 63। तो ये 63 ही हमारे लिए कितना सारा काम हो सकता है। देखिए 63 करोड़, एक पर्सन का अगर 1 करोड़ का भी सेल जाएगा और आपका ही 10-10 लाख पर मंथ का चेक बन जाएगा ना, तो 63 करोड़ का सेल तो हम सारे ही ला पाएंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, राइट। ये बिजनेस सिलेक्शन ऑफ पीपल का है। ये मिस्टेक हम हमेशा करते हैं कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे, राइट, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में से टिकेंगे और काम करेंगे सिलेक्टेड लोग। तो सिलेक्टेड लीडरशिप पे आपको काम करना है, जैसे मैं भी अभी काउंट करके सारी चीजें कर रही हूँ। तो टिकेंगे और सीखते रहेंगे तो ही ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है। आज के लिए एक फर्स्ट डे था, आपका नया मंथ आज शुरू हुआ है, राइट। आज का नया मंथ और ये पूरा मंथ आपके जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा, क्योंकि जुलाई का मंथ जो है बहुत ज्यादा अर्निंग का मंथ है। आप पिछले महीने, थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी आप सबको कि पिछले महीने जुलाई का जो जून का जो पीवी बना है वो कम से कम 12 से 15 हजार से पीवी बढ़ा है, राइट। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम काम करेंगे, पीवी बढ़ता जाएगा, आपके चेक भी बढ़ते जाएंगे। एंड हाँ, जरूरी बात यह है कि सारे ऑफर्स आप ध्यान दो सारी ऑफर्स की तरफ, और जितना ज्यादा सबसे जरूरी बात, 5 तारीख से पहले आपकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। जितनी भी कंसिस्टेंसी आपकी टीम में है वो सारी कंसिस्टेंसी 5 तारीख से पहले हो जानी चाहिए। खुद का सेल्फ पीवी करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने सेल्फ पीवी किया और आपने इनवॉइस ग्रुप पे डाल दिया, तो डेफिनेटली कल आपकी टीम सोचेगी कि मेरा लीडर कमिटेड है, मैं भी करूंगा, राइट। तो आज जो आप कर रहे हो ना, तो आपकी टीम फॉलो करेंगी। जैसे घर में अगर आप देखोगे तो घर में आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, राइट। आपके घर में जो संस्कार होते हैं, बच्चे अपने आप उसी को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये जो चीज है आपके बिजनेस में भी होगी। जो आप काम करोगे वही आपका बिजनेस भी फॉलो करेगा, वही आपका टीम लीडर भी फॉलो करेगा, पूरी टीम आपकी जो आपकी लाइफ लाइन्स है वो सारी वही फॉलो करेगी, राइट। तो आप सिस्टम में आ जाओ, बाकी दुनिया बदलेगी, राइट। बट पहला सिस्टम आपका, पहला स्टेप आपका जरूरी है। तो कल के कल आपका 100 पीवी हो जाना चाहिए। 100 पीवी आप अपने लिए कर रहे हो, आप आपका इनवॉइस ग्रुप पे डालो। जैसे मैंने बताया कि आपका आज कितना पीवी का टारगेट है इस महीने का, आपके अपलाइन को आज के आज सोने से पहले पता हो जाना चाहिए, तभी आप हमको, हम आपको वैसे टाइप से सपोर्ट कर पाएंगे जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट है देगा, राइट। और अगर हम दिसंबर तक चाहते हैं कि सारी टीम की चेक 1 लाख पर मंथ प्लस बने, तो जो आज नए फर्स्ट डे एंटर हुए हैं, फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे, वो भी आज से लेके दिसंबर तक कम से कम 1 से 2 लाख पर मंथ पे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजी रेडी है, राइट। हमारे पास आपका ग्रोथ प्लान रेडी है, आत्मनिर्भर प्लान का प्रेजेंटेशन आपने सुना होगा। अभी जो चेक आएंगे 10 तारीख को, आप सब समझ जाओगे कि कितने चेक में बदलाव आए हैं, कितने बड़े बड़े चेक आपके बनते जा रहे हैं, राइट। जो नॉर्मल चेक आपका बनता था 2001 पीवी से डायरेक्टर का, वो चेक कितना बड़ा है आप समझ पाओगे। तो आपके जितने भी टीम है, जो डायरेक्टर, एक एक लेवल उनको ऊपर लेके जाओ, राइट। जो 5% में है उनको 8% में लेके जाओ, जो 8% में है उनको 10% में लेके जाओ, जो 10 में है उनको 11 पे लेके जाओ, जो 11 पे है उनको अचीवमेंट कराओ, उनको 2001 पीवी अचीव कराओ, जो 2001 पीवी अचीव करके 1% मतलब खुद ब्रॉन्ज बने हैं तो उनको, उनके नीचे एक डायरेक्टर बनाओ तो फॉरेन ट्रिप का अचीवमेंट होगा,
तीन लोगों को डायरेक्टर बनाओ तो आप कार फंड का अचीवमेंट करोगे, छह लोगों को डायरेक्टर बनाओगे तो आप क्राउन बन जाओगे, कम से कम 1 लाख पर मंथ आएगा। और करना क्या है, लोगों को प्रोडक्ट की आदत ही तो डालनी है। और वैसे भी आप नहीं करोगे तो आपकी पूरी सोसाइटी जो है, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे आसपास 600 लोग हैं, मैं आदत अगर नहीं डालूंगी तो कोई ना कोई तो उनको आदत डाल रहा है, चाहे वो पड़ोस वाला किराने का शॉप वाला हो, राइट। लेकिन अगर वो कमा रहा है और आपका माइंडसेट बिजनेस करने का और कमाने का नहीं है, तो आपका बिजनेस डीमार्ट वाला लेके जाएगा, आपका बिजनेस बिग बाजार वाला लेके जाएगा, आपका बिजनेस मेडिकल वाला लेके जाएगा, और आपका बिजनेस आपका किराना वाला कमाएगा, शॉप वाला, ग्रोसरी शॉप वाला लेके जाएगा। अगर आपका बिजनेस माइंड नहीं है, देखिए आप, छोटी सी बात है लेकिन आप देखिए कितना बदलाव है। आज जितना हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, आज जियो मीट देखोगे, सेम टू सेम जूम जैसा ही बनाया है। आप देखिए अंबानी का माइंडसेट क्या है, कभी हमने देखा है? एक वीडियो मैंने अभी भाड़ीपा का, भारतीय डिजिटल पार्टी का, मैंने अभी ग्रुप पे भेजा था, आपने उस पे रिवर्ट नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, वापस ऊपर जाके वही वीडियो देखिए और उस पे रिवर्ट डालिए, आप देखिए उसमें अंबानी का माइंडसेट क्या है। भारतीय डिजिटल पार्टी का कॉमेडी वीडियो है वो, राइट, लेकिन उसमें जो अनिल अंबानी, नीता अंबानी वगैरह जो माइंडसेट, मुकेश अंबानी, उनका सबका माइंडसेट जो दिखाया है ना उसमें, मतलब मैं खुद ही हैरान हो गई कि क्या माइंडसेट है। मुझे भी ऐसा ही और चीजें खुद में डेवलप करनी है, राइट। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपका माइंडसेट डेवलप करती है, चाहे वो कॉमेडी है। और सबसे जरूरी बात, न्यूज़पेपर से थोड़ा सा दूरी रहिए, राइट, टीवी से थोड़ा सा दूरी रहिए। आपके फेसबुक पे सुबह उठते ही जो निगेटिव चीजें आने लगती है उससे थोड़ा दूर रहिए, और जो फोकस है आपका वो आपका ड्रीम बोर्ड सामने लिख के रखिए, आपके ड्रीम बोर्ड पे काम कीजिए, आपके लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। 1 लाख पर मंथ ये बहुत कम बता रही हूँ मैं, 1 करोड़ पर मंथ भी आएगा, क्योंकि लॉकडाउन में 1 करोड़ पर मंथ भी आया है ऑलरेडी, 81 लाख भी पर मंथ आया है, राइट। तो लॉकडाउन में अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है, राइट। तो आपकी जो लाइफ है ये आप ही ने बदलनी है। अगर आपका साइड वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार आप हो, अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदार आप हो, राइट। क्यों? क्योंकि हम नहीं सोच पा रहे कि हमने क्या करना है। हम अगर रीजंस दे रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ पे पीवी नहीं बना, वहां पे पीवी नहीं बना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सील एरिया था, मेरा काम नहीं हुआ। मैंने ये एक आपको बताया है कि आप ग्रीन जोन ढूंढो, महाराष्ट्र के ग्रीन जोन ढूंढो, और जितने भी रजिस्ट्रेशन ऐप मैंने आपको बताया है पिछले ट्रेनिंग में, वो ऐप रजिस्टर करो, वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। ग्रीन जोन में डीएलसीपी शुरू है, वहां पे बिजनेस करो। साइड वॉल्यूम लाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, या ब्रॉन्ज बनना कोई बड़ी बात नहीं। 45 एंट्रीज अगर 100 पीवीसी करेंगे तो आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, और 45 एंट्रीज अगर दिन में 10 कॉल करते हैं और आपके बस 10 कॉल में से 2 ही लोग डेली एंटर हो रहे, राइट, तो भी 30 डेज में 60 लोग एंटर हो जाते हैं। 60 लोगों में से 45 एंट्रीज भी आप सोचोगे ना तो भी आपका डायरेक्टरशिप हो जाएगा। कोई भी नया पर्सन आके इस महीने भी डायरेक्टर हो सकता है अगर उसका माइंडसेट हो। सबसे जरूरी बात है माइंडसेट, सबसे जरूरी बात है सोच। बिकॉज मैं जब जॉब कर रही थी, 1 महीने में 10 से 7 जॉब करके वेस्टीज का वीबी में बात नहीं कर सकती थी, इतना स्ट्रिक्ट था मेरे ऑफिस में, फिर भी फर्स्ट मंथ में मैं डायरेक्टर बनी थी। क्या था उसके पीछे, एक सीक्रेट बताना चाहूंगी आज आपको। ये सीक्रेट था, मेरी सिस्टर जो LIC का काम करती थी, मानसी अभी आज मीटिंग में भी है वो, राइट, डायमंड डायरेक्टर है। मैं फ्री नहीं थी, मैं 10 से 7 फ्री नहीं थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो था वो पर्सन और उसको गाइडलाइन सही थी, इसीलिए मैं वो काम कर पाई। मानसी मैम 14% में चली गई, मैंने और 2-3 लाइन मेरे ओपन किए और मैं डायरेक्टर बन गई। अगर एक पर्सन भी आपको सही मिल जाए ना और आपको उसको सही गाइडलाइन दो ना तो भी आपका काम इजीली हो जाएगा। लेकिन वो एक पर्सन आपका कौन है, कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे लिए मेरी सिस्टर थी, तो आपके लिए कोई भी हो सकता है जो आपका करीबी हो, राइट, करीबी पर्सन जो आप पे बहुत ट्रस्ट करता हो, आपकी बातों से मतलब हर चीज आपकी मानता हो और हर चीज आप दोनों एक दूसरे की मानते हो और आप दोनों ग्रोथ कर सकते हो, राइट। जैसे आज ही मैंने, आज हमने हम बाहर गए थे एंड थोड़ी हल्की बारिश शुरू हो गई, तो आज आपने फेसबुक का वीडियो शायद मेरा देखा होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी से घूमती हूँ 4-5 लाख किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है। मैं हमेशा बताती हूँ, बट ये जो ड्राइव किया है मैंने कभी भी सनरूफ में एंजॉय नहीं किया था, और मैं चाहती थी कि मैं
सनरूफ में एंजॉय करूं, लेकिन जो ड्राइव करता है ना उसको डर लगता है साइड में बैठने का, राइट? तो मुझे भी ऐसा था कि मैं किसी को साइड में कभी भी, मतलब मैं खुद ड्राइविंग सीट पे ही होती थी, किसी के साइड में बैठने से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं वो स्पीड से चला रहा है, वो कम स्पीड से चला रहा है, वो मेरे जैसा नहीं चला रहा है। तो फर्स्ट टाइम आज मानसी मैम की गाड़ी में मैं, मतलब हमेशा बैठती हूँ उनकी गाड़ी में, लेकिन वो जो गाड़ी वेस्टीज से आई है, राइट, उसके सनरूफ में मैंने एंजॉय किया और सच में बहुत मजा आया, राइट? ये जो चीजें है ना, टीम में डेवलपमेंट होता रहता है, आपके रिलेटिव्स में डेवलपमेंट होता रहता है, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपकी टीम की लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो बहुत मजा आता है, राइट? आप हम सभी पैसा, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, ये सारा ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, जो लेके जाएंगे ना डेली आपका हैप्पीनेस, राइट, डेली आपको शांति से नींद आए, डेली आपको जो आप कर्म करो उसका फल मिले, डेली आप जो चीजें चाहो वो आप पाओ, और सामने वाले को जो चाहिए वो आप दे सको, उसकी कैपेसिटी आप खुद की बढ़ाओ, राइट? तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए, जो मतलब बाकी सारी चीजें तो हमें चाहिए, जो हमारा घर है, गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप से जो सारी चीजें है वो हमें चाहिए लाइफ में, राइट? इसके साथ साथ आपका डेली सेटिस्फेक्शन, अगर आप 10 कॉल करोगे तो सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाएगा कि यस, मैंने जो टारगेट लिया था वो मैंने पूरा किया। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कल ही शाम को मैंने एक, मैं वीडियो देख रही थी, एक मैं कुछ पढ़ रही थी, और उसमें उन्होंने बताया कि आप सुबह अलार्म लगाते हो, राइट? वो जो अलार्म लगाते हो, क्या करते हैं जनरली हम, अलार्म लगाते हैं सोने उठने के लिए, और वो अलार्म हम बंद कर देते हैं, स्नूज पे डाल देते, फिर 5 मिनट बाद उठने के लिए स्नूज पे डालते, फिर हम कट करते। तो कल के एक ट्रेनिंग में रात को मैं जब सुन रही थी तो उसमें ऐसा बताया गया कि ये जो आप करते हो ना, आपको अलार्म जब लगाते हो तो उठने के लिए लगाते हो, और आप अगर स्नूज कर रहे हो तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हो कि मैं अभी नहीं उठ सकता। मतलब एक बेसिक छोटी सी बात जो 0.1% है वो निगेटिव डाल रहे हो, और डेली आप आपकी माइंड में छोटी छोटी बातें जो निगेटिव डाल रहे हो, उसी की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिविटी स्टोर हो रही है, राइट? तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सेल्फ टॉक है जो हमें लाइफ में बदलाव करना है। खुद के बारे में बात करें तो अच्छी बात करें, राइट? और जो कुछ भी प्रेजेंटेशन करें वो अच्छा करें, किसी को बताना है, छोटा सा एक फोन कॉल भी करना है तो वो भी बहुत इफेक्टिव करें, तो उनको सामने से अपने आप अच्छा लगेगा और वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, राइट? तो इसी के साथ मैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये क्लोज करती हूँ और हैंड ओवर करती हूँ आज के हमारे ग्रेट होस्ट शार्दुला मैम को, राइट? एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, आज का जो ट्रेनिंग रहा जबरदस्त, आपको कैसा लगा आप चैटबॉक्स में डाल सकते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी होगा तो भी आप पूछ सकते हो। आपको अगर ये ट्रेनिंग अच्छा लगा है तो आप ऑनलाइन के अपना जो ग्रुप है उस पे इसके अपडेट जरूर भेज दीजिएगा, ताकि जिन्होंने सेशन नहीं सुना वो कल आके और सेशन अटेंड करे और उनकी भी लाइफ में बदलाव आए। अगर आप रीजन बनते हो ना किसी की लाइफ में बदलाव आने का, अगर आप मैसेज डालते हो, अगर आप रिवर्ट करते हो ग्रुप में, तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव साइन भेज रहे हो और ऑटोमेटिकली आप उसमें किसी की लाइफ में बदलाव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई। जुलाई में हम रॉकिंग वर्क करेंगे, आपको जहां पे वर्किंग की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, कॉलिंग की जरूरत हो, कॉन्फ्रेंस कॉल की जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो आप मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, आपकी जो भी लेवल आपने सोची है हम कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हम वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू, बाय बाय। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच रसिका मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि ऑनलाइन से हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी, तो आई होप ये मीटिंग के बाद आप सभी लोगों को ये दिक्कत आना 100% बंद हो जाएगा, क्योंकि जो जरूरी बेसिक सारी चीजें हैं ये ट्रेनिंग से आप सभी को मिली होगी। और मुझे बहुत अच्छे रिप्लाईज यहाँ पे चैट बॉक्स में भी दिखाई दे रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमें ये वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जिंदगी में हमें वो मिलता है जो हम हर हाल में चाहते हैं। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, जो हम हर हाल में चाहते हैं वो हमें मिलता ही मिलता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने लाइफ में खुश रहे, हंसते रहे और सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा ही वो एक चीज है जो आज के जमाने में हमें
एक इमेज बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जितनी ज्यादा लोगों को आप ये पैसा दिलाने में हेल्प करोगे, ये 1 लाख पर मंथ जब उनके घर में हर महीने आना शुरू हो जाएगा, तो जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिलने वाली है, मुझे नहीं लगता और कोई चीज ये ब्लेसिंग्स को ओवरकम कर पाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आज ये सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।